गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोगों को? सो विल बी फाइन। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत से लोग ऑनलाइन हो रहे हैं। अच्छा सही है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्ट फेलियर। हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन एक रिव्यू ले लेते हैं क्योंकि ये चीज़ हमने वाइट बोर्ड पे नहीं डिस्कस की थी। ऑनलाइन डिस्कस कर लेते हैं अगेन कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है और फॉरवर्ड बैकवर्ड फेलियर क्या है। ठीक है, इन चीज़ों को वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि क्या हार्ट के कोई फंक्शन हो सकते हैं। इनिशियली स्टार्ट ले लेते हैं कि वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो विल बी फाइन। ओके, तो हार्ट के क्या फंक्शन हो सकते हैं, एनी आइडिया? कोई टॉक अबाउट हार्ट फिजियोलॉजी, तो हार्ट कोई काम करता है? But you say, like essential functions of heart included as to cover metabolic needs of the body tissue, like oxygen है, substrate है, by adequate blood supply. अगर heart blood supply नहीं करेगा do you think कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वालेकुम अस्सलाम बेटा, एसेंशियल मैडम बेटा, जस्ट वेट वन मिनट प्लीज। मतलब आप बताओ,
ओके सॉरी क्लास अगेन वेलकम बैक। हम आर्ट के फंक्शन की बात कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। होप सो विल बी फाइन। तो आर्ट के फंक्शन की बात कर रहे थे, एसेंशियल फंक्शन ऑफ आर्ट लाइक। वालेकुम अस्सलाम बेटा। एसेंशियल कंडीशन फॉर फुलफिलिंग दिस फंक्शन नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दी आर्ट होना जरूरी है। इंस्टेड ऑफ दैट जिस हार्ट की सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनका नॉर्मल स्ट्रक्चरली और फंक्शनली होना जरूरी है। इंस्टेड ऑफ दैट एडिक्वेट फीलिंग ऑफ द हार्ट बाई द ब्लड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एडिक्वेट फीलिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली उसकी पंपिंग नॉर्मली नहीं होगी। ओके, एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट आर सिक्योर्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ इट्स सिलेक्शन। सो दैट इज हार्ट हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। अल्फा आवाज आ रही है। इफ देयर इज अ चेंजेस इन द हार्ट रेट अल्टीमेटली देयर विल बी चेंजेस इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। कंट्रोल ऑफ हार्ट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड अदर वन इज हार्मोनल कंट्रोल। Control of stroke volume depends on the preload, contractility, afterload, and number and size of myocytes, cardiomyocytes, especially heart architectures, synchronization of the function of the atrias and ventricles. Okay, well, beta. ठीक है, तो अगर synchronization नहीं है atria और ventricle की contraction में, synchronization नहीं है तो there will be a decrease in the stroke volume. Preload, afterload ठीक नहीं है, कंट्रैक्टिलिटी के अंदर प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली ओके ओके बेटा कंट्रैक्टिलिटी के अंदर प्रॉब्लम है, ब्लड कंप्लीटली हार्ट की तरफ नहीं आ रहा तो वो प्रॉपरली पंप नहीं कर सकेगा। अगर ब्लड पंप नहीं होएगा तो वो प्रॉपरली टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा, सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ पे इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी। जब इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगी so that will also lead to a shock. Okay, instead of that there are certain adaptive mechanisms of heart to increase load like Frank Starling mechanism hai. Ventricle hypertrophy hai. Hypertrophy increase mass of contractile elements, increase strength of contraction. हाइपरट्रॉफी वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी का ये मतलब है कि हाइपरट्रॉफी जो है वर्कलोड की वजह से ना, जब ज़्यादा वर्कलोड होता है तो ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपना साइज इंक्रीज करवा लेता है। दैट इज आल्सो नोन एज LVH, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। इंस्टेड ऑफ दैट अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ गई है तो उसके रिजल्ट में हार्ट रेट बढ़ेगा। अगर ऑलरेडी हार्ट फेलियर है तो हार्ट के ऊपर बर्डन पड़ेगा, लोड ज़्यादा होएगा, तो हार्ट को फोर्सफुली ब्लड पंप करना पड़ेगा। जब फोर्सफुली ब्लड पंप करेगा तो अगेन अगेन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट जैसे ही हार्ट फेलियर होएगा तो हार्ट फेलियर में क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हार्ट के अंदर इतना भी ब्लड आ रहा है, हार्ट इज अनएबल टू पंप ऑल द ब्लड्स, तो उसके रिजल्ट में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होएगी so that will also triggered RAS system. कैसे RAS system trigger होएगा? कि cardiac output 20 से 25% renal system को चाहिए होती है, kidney को चाहिए होती है,
अगर ये कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गई है ड्यू टू हार्ट फेलियर, ड्यू टू हाइपोटेंशन, ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, तो किडनी क्या करेगी, रीनल को रिलीज करवाएगी। ये सोडियम कंटेंट किसी वजह से कम हो गया तो रीनल विल बी रिलीज। जैसे रीनल रिलीज होएगा तो ये यूरास सिस्टम का कैस्केड है उसको स्टार्ट कर देगा। लाइक रीनल एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन के साथ मिलेगा, एंजियोटेंसन वन बनेगा, देन एसीई आएगा लंग से, एंजियोटेंसन टू में का होगा कन्वर्ट, उसके बाद एल्डोस्टोन को एक्टिवेट कर देगा। एल्डोस्टोन जैसे ही एक्टिवेट होएगा तो ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन करेगा, वाइड स्प्रेड वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन होएगी और सोडियम और वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होएगा, रिटेन होने के रिजल्ट में हार्ट के ऊपर अगेन बर्डन बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ क्या होगा, जर्नलाइज एडिमा होना शुरू हो जाएगा। दो कंडीशन कि रास सिस्टम एक्टिविटी जब इंक्रीज होती है तो उस एक तो हार्ट के ऊपर अगेन बर्डन डालती है, जैसे ही बर्डन डालेगा तो हार्ट उसको अगेन पंप नहीं कर पाएगा, और सेकेंडली रास सिस्टम जर्नलाइज एडिमा को भी नीड कर रहा होता है, इसलिए हार्ट फेलियर के अंदर जर्नलाइज एडिमा हो रहा होता है। इसमें अगर कोई हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, लाइक वेलुलर प्रॉब्लम आ गया है, MI हो गया है, या कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है, हार्ट के अंदर क्रोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गई है, तो वहाँ पे जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं उनकी ठीक है, निक्रोसिस हो सकती है, फिब्रोसिस हो सकती है, इन्फॉक्शन हो सकता है। अगर इन्फॉक्शन हो गया तो अल्टीमेटली वो अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन को मेनटेन नहीं कर सकेगा। प्रीलोड क्या है, स्ट्रेचनिंग the myocardial fiber during diastole by increasing end diastolic pressure that will lead to increased force of contraction during systole, that is Starling law. और preload क्या है, diastolic muscle sarcomere length leading to increased tension in the muscle before its contraction. And venous return to the heart is important, that leads to when diastolic volume is influenced. Stretching of sarcomere maximize the number of actin myosin bridges responsible for development of force. And optimal sarcomere length 2.2 micrometers है। तो जैसे preload में जो sarcomeres हैं उनकी length increase होएगी, increase होने के result में जो muscles के ऊपर tension है before contraction that will be increased. और venous return to heart that is also important. मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी क्या है, कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम चेंजेस इन एबिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम टू डेवलप फोर्स बाय द कंट्रैक्शन दैट अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑन चेंजेस इन द मायोकार्डियल फाइबर लेंथ। मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द चेंजेस ऑफ कंट्रैक्टिलिटी लाइक इंक्रीज अमाउंट ऑफ क्रिएटेड क्रॉस ब्रिजेस इन द सार्कोमेयर बाय इंक्रीज कैल्शियम इनफ्लक्स, इंस्टेड ऑफ दैट कैटेकोलामाइंस दैट इंक्रीज कैल्शियम इनफ्लक्स that will need to increase contractility. Certain inotropic drugs होते हैं या inotropic agents होते हैं जो कि अगेन कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ाते हैं, जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा तो वो कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवा देते हैं। ओके, सार्कोमेयर्स बेटा, सार्कोमेयर्स टफ लग रहा है। सार्कोमेयर बेसिकली होते क्या हैं, आपने एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का नाम सुना है। अब बेसिकली जो एक्टिन और मायोसिन हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। अब ये जो सार्कोमेयर्स हैं ये क्या करते हैं, ये लेंथ होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, शॉर्ट होते हैं और वाइड होते हैं। अब ये जो शॉर्ट और वाइड हो रहे होते हैं ना, ये ड्यू टू एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से हो रहे होते हैं। सार्कोमेयर
या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सरकोमेयर्स होते हैं बेसिकली ये स्ट्राइएशन होती है, इनके ऊपर एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स होती हैं वो मूव करती हैं और इनको स्ट्रेंथन इलांगेट करती हैं और नैरो कर रही होती हैं। कैल्शियम का इन्फ्लक्स मीन के कैल्शियम का इनसाइड मूव करना। गॉट इट, सरकोमेयर का पता चल गया। और इसके अंदर जो सरकोमेयर होते हैं जोन्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, लाइक एच जोन होता है और ए बैंड होता है, ए और आई बैंड होता है, एम लाइन होती है और जी लाइन होती है। अब जो एच बैंड एच जोन होता है, सॉरी एच जोन जो होता है उसके ऊपर मायोसिन होता है, आई बैंड जो होता है उसके ऊपर एक्टिन होता है, और जो ए बैंड होता है उसके ऊपर दोनों एक्टिन और मायोसिन होते हैं। और जो एम बैंड है वो क्या करता है, जो एम लाइन है वो क्या करता है, उसने मायोसिन फिलामेंट को होल्ड करके रखना होता है। ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, सारकोमेयर इसकी सेपलेशन कैसे होती है, सिक्रेट कैसे होता है। बस आप ये सोच समझ लें कि जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं ना, ये सारकोमेयर के ऊपर का मूव करते हैं और जो सारकोमेयर्स होती हैं उनको उनकी जो लेंथ है कम या ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है, ओके। जैसे ही आप बात कर रहे थे कैल्शियम की, कैटाकोलामाइंस की, कैटाकोलामाइंस क्या करते हैं, कैल्शियम का इन्फ्लेक्स इंक्रीज करवा देते हैं। कैल्शियम इनसाइड जब ज़्यादा मूव करता है तो उसके रिजल्ट में कंट्रेक्टिलिटी ऑफ हार्ट इंक्रीज हो जाती है। और सेम फंक्शन आइनोट्रॉपिक एजेंट्स का भी है, आइनोट्रॉपिक ड्रग्स का भी है। बेटा आवाज़ का तो मसला नहीं है, बाकी लोगों को तो आवाज़ ठीक आ रही है। ओके, दूसरा, जैसे ही कंट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो उसके रिजल्ट में शिफ्टिंग द इंटायर वेंट्रिकल फंक्शन कर्व अपवर्ड एंड द थोड़ी लेफ्ट। एक कर्व होती है जो कि अगर नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर हुई तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके वेल अक्सर, ठीक है। और अगर कंट्रेक्टिलिटी कम हो जाती है तो शिफ्टिंग द इंटायर वेंट्रिकल फंक्शन कर्व, लाइक हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है, एसिडोसिस हो सकती है एंड डाउनवर्ड टू द राइट। अगर कंट्रेक्टिलिटी कम होगी तो उसमें एसिडोसिस या हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है, जिसमें जो वेंट्रिकल कर्व हो रही होती है वो शिफ्ट हो जाती है डाउनवर्ड और राइट की तरफ मूव कर रही होती है। और अगर कंट्रेक्टिलिटी ज़्यादा है तो उसके रिजल्ट में जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की जो कर्व बन रही होती है वो अपवर्ड मूव करती है और लेफ्ट की तरफ चली जाती है। ओके, प्रेशर वॉल्यूम लोब क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द वेंट्रिकल वॉल्यूम एंड द प्रेशर। द लूप प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रेक्शन टू अल्टरेशन इन प्री लोड, आफ्टर लोड एंड कैटरेक्टिलिटी। इट कंपोज्ड ऑफ फोर फेसेस, जिसमें फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल है, आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल है, आइसोटोनिक कंट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल, इजेक्शन ऑफ द ब्लड और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। फिलिंग वेंट्रिकल की, वेंट्रिकल की कंट्रेक्शन और आइसोटोनिक। जी जी मैम, ओके। आइसोवोल्यूमिक कंट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल, देन आइसोटोनिक कंट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल और आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये फोर फेजेस होती हैं। आफ्टर लोड क्या है? इट इज द प्रेशर एज द टेंशन विच मस्ट बी डिवेलप इन द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग सिस्टोल टू ओपन द सेमी लूनर वॉल एंड इजेक्ट ब्लड टू एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। लेबेलिस लॉ है, वो कहता है वॉल टेंशन इज इक्वल टू इंट्रा वेंट्रिकल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द वेंट्रिकल डिवाइड बाय टू इनटू वेंट्रिकल वॉल थिकनेस। उसमें ये कहता है कि अगर आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो ड्यू टू इजेक्शन ऑफ आर्टेरियल रेजिस्टेंस वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज होएगा और इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अदर कंडीशंस, जब आफ्टर लोड कम होएगा तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि आर्टेरियल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होगी, ये वेंट्रिकल का जो साइज है दैट इज डिक्रीज। अब मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, मायोकार्डियम का साइज इंक्रीज हो जाना, और दूसरा डिक्रीज इन वेंट्रिकल साइज के वेंट्रिकल की एट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी। अब हार्ट फेलियर क्या है? थोड़े हार्ट के फंक्शन से जो कि हमने वन बाई वन डिस्कस किया, अब आ जाते हैं कि हार्ट फेलियर क्या है। आपको क्या लगता है हार्ट फेलियर क्या है?
बेटा पीपीटी आप लोगों के लिए बनाई है, डेफिनेटली आपको सेंड कर दूंगा। ओके वेल, हार्ट मसल अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते या अनेबल टू पंप ब्लड, इसके अलावा आवाज कट रही है बेटा, अब आवाज आ रही है। ओके, हार्ट जब व्हेन अनेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस एंड अंडरगो इनटू हार्ट फेलियर, बेटा हार्ट के जो फंक्शंस हैं वो एमआई में भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, पेरिकार्डाइटिस में भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा हार्ट के अगर कोई भी और प्रॉब्लम होता है, वेलुलर डिजीज हो जाती है, एलवीएच हो जाता है, उसमें भी हार्ट फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो यू कांट डिफाइंड एज कि हार्ट बिकम अनेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। सर्टेन अदर काजेज भी हो सकती हैं जिसकी वजह से हार्ट अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ओके वेल मरियम, थैंक यू, आवाज क्लियर है तो वालेकुम अस्सलाम नीला बेटा, वेलकम। ठीक है, इसके अलावा हार्ट डेफिनेशन, इट इज़ अ पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द हार्ट एज ए पंप इज अनेबल टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू फॉर द ऑक्सीजन एंड सबस्ट्रेट डिस्पाइट द वेनस रिटर्न टू द हार्ट इज इधर नॉर्मल आर इंक्रीज। अब इसने डिफाइन कैसे किया है कि हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है वो हमारी बॉडी की नीड के मुताबिक ब्लड ना दे सकता हो। ओके चलें अदीला आपकी बात मान लेते हैं। बेसिकली हार्ट को अगर एज ए पंप लिया जाए ना, तो जब मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही होती टिश्यू की, अब कैसे नहीं होती, सपोज मैं ये कह देता हूँ कि हार्ट ने क्या करना है, ब्लड को पंप करना है, ब्लड ने पंप होके टिश्यू तक पहुँचना है। अब टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी लेके आने हैं, इसने हो सकता है कि हार्ट की तरफ जो ब्लड आ रहा है वो पंप नहीं कर रहा, या जो बॉडी की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है, ये मेटाबॉलिक नीड है, वो फुलफिल नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या हो सकती है, हार्ट के अंदर की प्रॉब्लम है। अब हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। पहली कंडीशन ये है कि प्रॉपर फीलिंग होनी चाहिए, वेंट्रिकल्स की प्रॉपर फीलिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर, बेटा आवाज़ तो आ रही है, किसको आवाज़ नहीं आ रही, नीलम आवाज़ नहीं आ रही, वेंट्रिकल्स की प्रॉपर फीलिंग होनी चाहिए। अगर वेंट्रिकल की प्रॉपर फीलिंग हो रही है तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वेंट्रिकल अपना ब्लड इजेक्ट कर सकेंगे। दूसरी कंडीशन है कि स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि हार्ट रेट नॉर्मल होना चाहिए। चौथी कंडीशन कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होनी चाहिए। पाँचवीं कंडीशन बेटा वेंट्रिकल और एट्रिया की सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो अल्टीमेटली देयर इज ए प्रॉब्लम, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से जो एट्री और वेंट्रिकल है सिमल्टेनियसली उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो रही। अगर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी। वालेकुम अस्सलाम शुमेला बेटा, वेलकम। ओके तो वी कैन से कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द हार्ट एज ए पंप इज अनएबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू। अब मेटाबॉलिक क्या है, उन तक ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, उन तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, इधर द वेनस रिटर्न इज नॉर्मल। हालांकि जो ब्लड वापस आ रहा है वो हो सकता है वेनस रिटर्न की फॉर्म में या तो ज़्यादा हुआ हुआ है या नॉर्मल है। अब ज़्यादा अगर होगा तो अल्टीमेटली डेट विल लीड टू जनरलाइज एडिमा, कि जब वेनस रिटर्न ज़्यादा होगी, वेनस रिटर्न ज़्यादा होने के रिजल्ट में हार्ट के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर और पड़ेगा, हार्ट पंप नहीं कर सकेगा, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर सकेगा,
उसके रिजल्ट में रॉस सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी, ADH रिलीज होना शुरू हो जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, वेजो मोटर सेंटर एक्टिविटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, वेजो मोटर एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ दैट रॉस सिस्टम और इंस्टेड ऑफ दैट ADH, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सोडियम और वाटर को रिटेन करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर और बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेशर बढ़ेगा और उसके रिजल्ट में एडिमा होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हार्ट फेलियर के अंदर अगर आप पेशेंट्स देखेंगे, हार्ट फेलियर वाला पेशेंट्स, तो उसके अंदर जनरलाइज्ड एडिमा होने के चांसेस होते हैं। ओके, अब ये दो तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है, वन इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन है, एंड वन इज इंडिया की क्लासिफिकेशन है, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन है। ये दो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास वन के अंदर बेटा जो क्लासिफिकेशन है उसमें उन्होंने कहा है कि क्लास वन है, क्लास टू है, क्लास थ्री है और क्लास फोर है। न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग माइल्ड है वन के अंदर, सेकेंड के अंदर माइल्ड है, थर्ड के अंदर मॉडरेट है और फोर्थ क्लास के अंदर सवेयर होता है। पहली जो क्लास है उसके अंदर पेशेंट्स के सिम्टम्स में क्या होगा कि नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पेशेंट कुछ भी कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो देयर इज नो लिमिटेशन। ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी डज नॉट कॉज अंडू फटीग, इवन कि ऑर्डिनल एक्टिविटी भी करता है तो उसको फटीग नहीं होती। रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट, पॉल्पिटेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया। लेकिन अगर क्लास टू के अंदर है, देर विल बी ए स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जैसे ही एक्टिविटी करेगा तो उसके रिजल्ट में उसको पल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होएगी, फटीग होना शुरू हो जाएगी और इरेगुलर हार्ट बीट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें रेस्ट के ऊपर मिनिमाइज हो जाएंगी। ये पेशेंट जैसे ही रेस्ट करेगा तो ही फील्स, ये शी फील्स कंफर्टेबल। क्लास टू की अगर बात, क्लास थ्री की अगर बात करें तो क्लास थ्री के अंदर मार्क ना फिजिकल एक्टिविटी होगी। इसमें भी अगर पेशेंट्स कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो लेस देन ऑर्डिनल एक्टिविटी कॉजेज फटीग, पॉल्पिटेशंस एंड SOB, डिस्निया होना शुरू हो जाएगा और अगेन पेशेंट्स रेस्ट के ऊपर कंफर्टेबल फील करेगा। इफ यू टॉक अबाउट द फोर्थ क्लास दैट इज सवेयर, उसने अनएबल टू कैरी आउट एनी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट डिसकम्फर्ट, सिम्टम्स ऑफ फटीग, रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट, पॉल्पिटेशंस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया आर प्रेजेंट एट रेस्ट, इफ एनी फिजिकल एक्टिविटी इज अंडरटेकन डिसकम्फर्ट इंक्रीजेस। तो ये नया की क्लासिफिकेशन है जिसने फोर क्लासेस के अंदर हार्ट को क्लासीफाई किया है, हार्ट फेलियर को क्लासीफाई किया हुआ है। सेकेंड वन इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग स्टेज वन के अंदर क्या होगा कि पेशेंट्स एट रिस्क फॉर हार्ट फेलियर बट विदाउट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज आर सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर। किससे होगा, लाइक वो पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन होगी, डायबिटिक हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है उसको, पोस्ट MI और रीवेस्कुलराइजेशन हो सकती है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है, CVA हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, या एक्सपोजर टू कार्डियक टॉक्सिंस कोई इशू हो सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द स्टेज बी, तो स्टेज बी के अंदर द पेशेंट्स विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज बट विदाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम तो होएगा, स्ट्रक्चरल डिजीज होएगी, लेकिन साइन और सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे। प्रायर MI, एग्जाम्पल लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या रिड्यूस्ड लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, एसिम्टोमेटिक वेलुलर डिजीज हो सकती है। इफ वी टॉक अबाउट द स्टेज थ्री, पेशेंट्स विद स्ट्रक्चरल डिजीज विद प्रायर आर करंट सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, नॉन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, डिज़निया, फटीग एट रिड्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस। इफ वी टॉक अबाउट स्टेज डी, स्टेज डी के अंदर पेशेंट्स विद रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन एंड मार्क्ड सिम्टम्स ऑफ रेस्ट डिस्पाइट मैक्सिमम मेडिकल थेरेपी विद रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन।
ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्डियक हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट बिकम्स इनसफिशिएंट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है या बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड्स है वो फिलफुल नहीं होती, तो उस टाइम हम ये कह रहे थे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट फेलियर। स्ट्रोक वॉल्यूम डिटरमाइंड बाई प्री लोड, आफ्टर लोड एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इजेक्शन फ्रैक्शन नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर है, मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या होती है और इस क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर की क्या हो सकती है। स्टोलिक फेलियर हो सकता है जिसमें कंट्रैक्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, डायस्टोलिक फेलियर हो सकता है जिसमें फिलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट मिक्स हो सकता है। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? वन ऑफ द मेजरमेंट यूज्ड बाय फिजिशियन टू असेस हाउ वेल द पेशेंट्स हार्ट इज फंक्शनिंग। इजेक्शन रेफर टू द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट हार्ट्स मेन पंपिंग चैम्बर ड्यूरिंग ईच बीट। और फ्रैक्शन रेफर टू द फैक्ट दैट इवन इन ए हेल्दी हार्ट सम ब्लड ऑलवेज रिमेन विद इन दिस चैम्बर आफ्टर ईच बीट। इजेक्शन क्या है कि हर बीट के साथ चैम्बर ऑफ द हार्ट से ब्लड ने पम्प आउट होना होता है। फ्रैक्शन क्या है कि जो ब्लड है हमेशा हर बीट के बाद चैम्बर के अंदर थोड़े से अमाउंट में रहता है। इजेक्शन फ्रैक्शन इज ए परसेंटेज ऑफ द ब्लड विद इन द चैम्बर दैट इज पम्प्ड आउट विद एवरी बीट विद एवरी हार्ट बीट। ओके, तो जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन है दैट इज 55 to 65 पी लिखा हुआ है, बुक के अंदर 55 to 75% भी लिखा हुआ है। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, इजेक्शन फ्रैक्शन स्ट्रोलिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम रीच डेट की वेंट्रिकल फिलिंग। इजेक्शन फ्रैक्शन 90 है लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम है और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 140 है, सो यू कैन कैलकुलेट दैट इज इक्वल टू 64%, 55 to 65% नॉर्मल होती है। सिस्टोलिक फेलियर क्या है? लाइक सिस्टोलिक फेलियर मोस्ट कॉमन है जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% होना शुरू हो जाती है। अब इसमें वजह क्या क्या हो सकती हैं, काजेस क्या क्या हो सकती हैं? ड्यू टू इम्पेयर्ड कंट्रैक्टाइल फंक्शन, लाइक MI हो चुका है पेशेंट्स को, तो उसमें जो कंट्रैक्टिलिटी है वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएगी। अदर काज क्या हो सकती है कि इंक्रीज आफ्टर लोड, लाइक पेशेंट हाइपर टेंशन में है। बेटा इजेक्शन फ्रैक्शन ये है, इजेक्शन का मतलब ये होता है कि हर बीट के साथ जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो उसने ब्लड को इजेक्ट करना होता है। फ्रैक्शन ये है कि हर बीट के बाद कुछ अमाउंट में ब्लड वेंट्रिकल के अंदर रह जाता है, तो यू कैन कैलकुलेट एज स्ट्रोक वॉल्यूम के कंट्रैक्शन के साथ जो ब्लड पर बीट कंट्रैक्शन के साथ जो ब्लड जा रहा है दैट इज आल्सो नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो रिलैक्सेशन में जैसे ही कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्ट करने के बाद कुछ अमाउंट ब्लड का वेंट्रिकल के अंदर रह जाएगा, उसको कहा जाता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम करेंगे तो आप इजेक्शन फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है मरियम,
कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, मैकेनिकल अबनॉर्मिलिटीज हो सकती हैं लाइक वेल्वुलर डिजीज हो सकती हैं, तो दैट विल लीड टू सिस्टोलिक फेलियर। सिस्टोलिक फेलियर में क्या होता है कि मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन के अंदर प्रॉब्लम आता है जो कि लेस देन 40 होना शुरू हो जाती है, और उसकी काज ये हो सकती है। ओके, दूसरी है डायस्टोलिक फेलियर। अब जो डायस्टोलिक फेलियर है बेटा, आवाज़ को बाकी लोगों को तो आ रही है, अक्सा आपको क्यों नहीं आ रही बेटा? आप अपना नेटवर्क चेक करें, यहाँ से तो अच्छे सिग्नल आए, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ओके, डायस्टोलिक क्या है? डायस्टोलिक फेलियर, डायस्टोलिक फेलियर इम्पेयर्ड एबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल टू रिलैक्स एंड फिल ड्यूरिंग डायस्टोल। वेंट्रिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो कि रिलैक्स नहीं करते, ये डायस्टोल में प्रॉपर उनकी फीलिंग नहीं होती, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक ऑफिलिएट टू, तो उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा और एट द एंड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी और नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन दैट हैव मच ब्लड टू। ओके, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जब वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर फीलिंग नहीं होगी, जब फीलिंग नहीं होगी तो वो इजेक्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो चुकी होगी क्योंकि ब्लड वेंट्रिकल के अंदर है ही नहीं, जब ब्लड नहीं होगा तो वेंट्रिकल इजेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन होती है मिक्स्ड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेलियर। मिक्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेलियर सीन इन डिजीज स्टेट सच एज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें इजेक्शन फ्रैक्शन इज वेरी पुअर लेस देन 35% और हाई पल्मोनरी प्रेशर्स होते हैं। बाई वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है, बोथ वेंट्रिकल्स मे बी डायलेटेड एंड हैव पुअर फिलिंग एंड एम्प्टीइंग कैपेसिटी। ठीक है, मिक्स के अंदर और बाई वेंट्रिकल फेलियर। बाई वेंट्रिकल फेलियर के अंदर बेटा जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं और हैविंग पुअर एबिलिटी टू फुल फिल, तो फिल ही नहीं होते, जब फिल नहीं होंगे तो अल्टीमेटली उनके अंदर कंट्रैक्टिलिटी की एबिलिटी, जैसे कंट्रैक्ट करेंगे तो वो नॉर्मली स्ट्रोक वॉल्यूम को मेनटेन नहीं कर सकेंगे, इजेक्शन फ्रैक्शन को मेनटेन नहीं कर सकेंगे, इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन इज वेरी पुअर, दैट इज लेस देन 35%। सर्टेन डेफिनेशंस, देर आर मायोकार्डियल फेलियर, सर्कुलेटरी फेलियर एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मायोकार्डियल फेलियर, इफ वी टॉक अबाउट मायोकार्डियल फेलियर, अबनॉर्मलिटीज रिसाइड्स इन द मायोकार्डियम एंड लीड्स टू इनएबिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम टू फुलफिल इट्स फंक्शन। अब मायोकार्डियल फेलियर के अंदर क्या है कि मायोकार्डियम ही के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से मायोकार्डियम अपना नॉर्मल फंक्शन को मेनटेन नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सर्कुलेटरी फेलियर होगा, सर्कुलेटरी फेलियर में एनी अबनॉर्मलिटी ऑफ द सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएडिक्वेसी इन द बॉडी टिश्यू परफ्यूजन। अब सर्कुलेटरी फेलियर में क्या होगा कि जो टिश्यू परफ्यूजन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है, वेस्ट ब्लड खून के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है या हार्ट फंक्शन में डिसऑर्डर हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्लिनिकल सिम्टम व्हिच इज डेवलप्ड ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। राइट, ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में जैसे ही ब्लड एक्युमुलेट होएगा तो दैट इज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, अब ये सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो कि हार्ट फेलियर को लीड कर रही होती हैं, जिनके अंदर कार्डियक मैकेनिकल डिसफंक्शन कैन डिवेलप एज ए कंसिक्वेंसेज इन प्रीलोड कंट्रैक्टिलिटी एंड आफ्टरलोड डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स ऑफ प्रीलोड लाइक इंक्रीज प्रीलोड लेंथ ऑफ सार्कोमियर इज मोर देन ऑप्टिमल, लेकिन जो कंट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो चुकी होती है, और अगर प्रीलोड कम है तो उसके रिजल्ट में लेंथ ऑफ सार्कोमियर इज वेल बिलो द ऑप्टिमल और स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन इज डिक्रीज।
इम्पॉर्टेंट क्या है कि फीलिंग वेंट्रिकल्स रिक्वायर हाइयर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम टू अचीव द सेम कार्डियक आउटपुट दैट नॉर्मल वेंट्रिकल अचीव्स विद लोअर वेंट्रिकल वॉल्यूम्स। कंट्रैक्टिलिटी में क्या प्रॉब्लम आती है? इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर। द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियम इज डिक्रीज, लाइक इस्कीमिया हो सकता है, एपोप्सी हो सकता है, एसिडोसिस, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और दूसरा डिसऑर्डर्स ऑफ आफ्टरलोड ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी दैट विल लीड टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। दूसरा इंक्रीज आर्टेरियल रेजिस्टेंस या वेलुलर हार्ट डिजीज, स्टीनोसिस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो हार्ट फेलियर को वर्स कर रही होती हैं। कंट्रैक्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है, आफ्टर लोड में प्रॉब्लम आ सकता है, उनकी वजह ये हो सकती हैं। Characteristics, features of systolic dysfunction, systolic failure कहा जाता है, ventricle dilatation होना शुरू हो जाएगी, reducing ventricle contractility, either generalized or localized, diminishing the ejection fraction, the defection of the end diastolic blood volume ejected from the ventricle during each systolic contraction less than 45%। इसके अलावा in failing hearts the left ventricle and diastolic volume or pressure may increase as the stroke volume or cardiac output decreases। characteristic features of diastolic function, diastolic agar failure hai to usme ventricle cavity size is normal or smaller than normal, myocardial contractility is normal or hyperdynamic, ejection fraction is normal more than 50% or सुप्रा नॉर्मल, वेंट्रिकल इज यूजुअली हाइपरट्रॉफाइड, वेंट्रिकल इज फीलिंग स्लोली इन अर्ली डायस्टोल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पैसिव फीलिंग और एंड डायस्टोलिक वेंट्रिकल प्रेशर इज इंक्रीज्ड। कॉजेज ऑफ हार्ट पंप फेलियर, मैकेनिकल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं जिसके अंदर इंक्रीज प्रेशर लोड हो सकता है, लाइक सेंट्रल है, एओर्टिक स्टीनोसिस है, एओर्टिक पोर्ट्रेशन है, पेरिफेरल और सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, इंक्रीज वॉल्यूम लोड की वजह से हो सकता है, लाइक वेलुलर रिगर्गिटेशन हो सकती हैं, अपर वॉल्यूम हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू वेंट्रिकल फीलिंग हो सकती है, लाइक वेलुलर स्टीनोसिस हो सकती है, इंस्टेड ऑफ दैट पेरिकार्डियल रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं। मायोकार्डियल डैमेज हो सकता है, प्राइमरी लाइक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है अल्कोहल की वजह से या सर्टेन अदर टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होने की वजह से, इंस्टेड ऑफ दैट मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं लाइक हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकती है, और सेकेंडरी कॉज ऑर्गन ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज लाइक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा होने की वजह से या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो सकती हैं। ये वो काजेज हैं जो कि लीड कर रही होती हैं। एंड तीसरा है अल्टर्ड कार्डियक रिदम, वेंट्रिकल फ्लटर्स एंड फिब्रिलेशन होएगी, एक्सट्रीम टैकीकार्डियाज होंगे और एक्सट्रीम ब्रैडीकार्डियाज होंगे। Pathomechanisms involved in the heart failure, for example damage of cardiomyocytes and
तो उसके रिजल्ट में कंट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाएगी और जो कंप्लेंस है इसके अंदर भी अल्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगी। कंसिक्वेंसेज माइट बी डिफेक्ट इन एटीपी प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, चेंजेस इन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स लाइक एक्टिन और मायोसिन, ये सारकोमेयर्स की बात करें तो अनकपलिंग ऑफ एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाएगा, डिक्रीज नंबर ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स एंड इम्पेयरमेंट रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स विद डिक्रीज कंप्लायंस ऑफ मायोकार्डियम। इम्पेयर्ड सेंट्रोट्रिनल सिस्टम, डिक्रीज नंबर ऑफ बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स। इसमें बेटा ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स दिखाया गया है, ये सार्कोमेयर दिखाए गए हैं कि ये वाइड और शॉर्ट होते हैं और एक्टिन और मायोसिन इसके ऊपर मूव करते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की जनरेशन कर रहा होता है। नॉर्मल हार्ट रेस्ट के ऊपर है, दूसरे में एक्साइटेशन कंट्रक्शन हैं और तीसरे के अंदर रिलैक्सेशन हैं। हार्ट फेलियर अगर रेस्ट के ऊपर देखें तो उसके अंदर और ना जो नॉर्मल हार्ट है उसके अंदर कितनी चेंजेस आ रही हैं। उसके बाद चेंजेस ऑफ न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ हार्ट फंक्शंस लाइक नॉर्मली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवाता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है एंड एक्टिविटी ऑफ फिजियोलॉजिकल पेसमेकर्स को बढ़ाता है। मैकेनिज्म्स में इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी साइक्लिक एएमपी दैट विल लीड टू इंक्रीज इन फ्लक्स ऑफ कैल्शियम और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसके रिजल्ट में डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑन दी हार्ट। पैथोफिजियोलॉजी में नॉर्मल न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल इज चेंज एंड क्रिएशन ऑफ पैथोलॉजिकल न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म्स आर प्रेजेंट। देयर विल बी इम्बैलेंस, प्रो प्रोलिफरेटिव इफेक्ट्स हैं और एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट्स हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर।